आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 10 को करने वाले हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 10.1 का आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेस हुज वर्टिसेस आर दिस एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि लेट एबीसीडी बी अ गिवन क्वाड्रिलेटरल, लेट एबीसीडी बी अ गिवन quadrilateral with vertices a के जगह पे हम लोग रखते हैं -4,5, b के जगह पे हम लोग रखते हैं 0,7, c के जगह पे हम लोग रखते हैं 5,-5 एंड d -4,2। अब क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। तो हम लोग जब कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे है हमारा -4,5, बी 0,7 चूंकि x 0 है तो y एक्सिस पे ये पॉइंट आया है और 0,7, c 5,-5 एंड d -4,-2। ठीक है, पॉइंट में हमारा है -4,-2। तो इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डायगोनल एसी को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया है, जिसके बाद ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है जो कि एबीसी है और एडीसी है। इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज में, तो ट्रायंगल का एरिया जब 3 कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो उसका एक फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल when 3 coordinate या 3 vertices are x1, y1, पहला vertices x2, y2, x3, y3। अगर ये 3 vertices हैं x1, y1, x2, y2 and x3, y3, then हम लोग एरियाज ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। इट इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ x1 एंड इट इज y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 इट इज y3 - y1 एंड प्लस x3 इट इज y1 - y2। ठीक है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 आर गिवन। तो अब पहले ट्रायंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसमें हम लेट कर लेते हैं कि x1, y1 है -2,5, x2, y2 है 0,7 एंड x3, y3 है 5,-5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा 1/2 मॉड का साइन, x1 जो है हमारा है इस बार -4 इस केस में एंड y2 - y3 दैट इज 7 -y3 जो कि -5 है यानी 7 + 5। अब दूसरा जो है 0 x2, तो इसमें जो भी मल्टीप्लाई है दैट इज -5 - 5 + 5 - 7 और जो भी यूनिट होगा उसका यूनिट स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 29 यूनिट स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी की। सिमिलर वे में हम लोग निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज 1/2 एंड दिस टाइम ADC x1 है -4,5, x1, y1, x2, y2 है -4,-2 एंड x3 है अगेन 5 एंड y3 है -5 दैट इज। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं x1 के जगह पे -4 और -5, -2 करना है यानी माइनस प्लस, अब प्लस 5 × -2 -5 प्लस ऑफ -4 × 5 -5 that is 5 + 5 mod unit square और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 63/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया को सम कर देंगे, दैट दस एरिया ऑफ एबीसीडी will be equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, that is equals to 29 plus 63 by 2, that is equals to 121 by 2 unit square, and this will be your final answer। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये हमारा एजुकेशन कैंपस का चैनल है जो कि यूट्यूब पे चलाया जाता है। इस चैनल पर आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी सब्जेक्ट के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा आपको हमारे इस चैनल पर इन क्लासेस के हर तरह के स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। Find vertices of the triangle। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं कि A जो है कि let ABC be the given equilateral triangle with side ABC। Let ABC be given triangle that is given equilateral triangle। मेंशन है कि हमारा this is an equilateral triangle given equilateral triangle with side 2a। ठीक है, तो ये साइड हमारा 2a मेंशन किया हुआ है, ये ट्रायंगल ABC है। तो अकॉर्डिंगली इसमें क्या होगा कि AB जो है बराबर होगा, दिस इंप्लाइज दैट AB विल बी इक्वल्स टू BC दैट इज इक्वल्स टू CA दैट इज इक्वल्स टू 2a। अब इसी क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, द मिड पॉइंट ऑफ द बेस is at origin। It is given that midpoint of the base, midpoint of the base, और हम लोगों ने base क्या लिया है, say BC is at origin। This implies that कि BO will be equals to OC that is equals to 2a by 2। ठीक है, तो हम लोग तो लेट कर लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी बी ए। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी बी 0, a then coordinate of CB 0, -a मीन्स कि B का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग 0, a लेते हैं तो C का कोऑर्डिनेट 0, -a। तो दो कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि A का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो A के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब चूंकि मिड पॉइंट से जो लाइन आता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन होता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो thus it is known that the line joining a vertex of an equilateral triangle with the midpoint of its opposite side is perpendicular। This implies that कि जो लाइन AO होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, लाइन BC पे। This also implies that चूंकि O जो है ओरिजिन पे है, तो this means A lies on x axis। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABO, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB, what we have is AO square plus OB square will be equals to AB square। ठीक है, तो AO square का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, ए ओ स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है, ओ बी स्क्वायर चूंकि ए है तो ये पता है हमको कि ये ए स्क्वायर होगा प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज 2a का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों को पता चलता है कि ए ओ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3a स्क्वायर इंप्लाइज ए ओ इज इक्वल्स टू रूट 3a। तो AO का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को पता चल गया रूट 3 है, और ये भी पता है कि AO जो है वो x एक्सिस पे लाइन करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट दस कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल्स टू रूट 3a कॉमा 0 चूंकि ये x एक्सिस पे लाइन करता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी तरह से हो, इस तरफ भी हो सकता है। मीन्स कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो होगा वो हमारा प्लस माइनस रूट 3a 0 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो तीन कोऑर्डिनेट आए वो क्या है, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट और ए का कोऑर्डिनेट दैट इज प्लस माइनस रूट 3a 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन point P x1, y1 and Q x2, y2 when PQ is parallel to y axis and second one is PQ is parallel to x axis। means कि दो point है, the given points are, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि the given points are P x1, y1 and Q x2, y2 when PQ is parallel to y axis, when PQ is parallel means कि पहला केस हम लोग बना रहे हैं कि when QQ is parallel to y axis what we have is x1 is equals to x2। ठीक है, means कि अगर इस तरह का हमारा कोऑर्डिनेट है और PQ जो लाइन है वो पैरेलल है हमारा y एक्सिस पे, तो अगर ये यहाँ पर भी हो तो जो पॉइंट x का यहाँ होगा वही पॉइंट x का यहाँ भी होगा। यानी कि when PQ is parallel to y axis, what we have is x1 is equals to x2 and in that case what will we have कि हम लोग डिस्टेंस जब निकालेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन इन दिस केस डिस्टेंस बिटवीन PQ is equals to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर that is equals to, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि x1 x2 बराबर है, that is under root y2 minus y1 का होल स्क्वायर that is equals to mod of y2 minus y1। अब mod इसलिए चूंकि अगर ये स्क्वायर का वैल्यू है और इससे सिर्फ स्क्वायर से क्या है पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर निकलता है, तो यानी ये जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हमको निकालना होगा कि PQ is parallel to y axis then the distance between P and Q then this formula can be used। अब दूसरा केस में आते हैं कि PQ is parallel to x axis, this is the case too when PQ is parallel to x axis, when PQ is parallel to x axis what we have implies y1 will be equals to y2 क्योंकि इस बार जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, y का वैल्यू जो यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा ये बराबर होगा। तो in this case distance between PQ is equals to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर that is equals to, चूंकि y1 y2 आपस में बराबर है वो 0 हो गया, यानी x2 minus x1 का होल स्क्वायर that is equals to mod of x2 minus x1 and this will be your answer and for first case this will be your answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7,6 एंड 3,4 मीन्स कि अगर ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है जिसमें पॉइंट 2 पॉइंट है, सम से 7,6 मीन्स कि एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 6 और एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 4। तो हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू, मीन्स कि कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे यहाँ का यहाँ अगर से पॉइंट यहाँ है मीन्स कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। हमको कोई ऐसा पॉइंट खोजना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं उस पॉइंट को कि लेट a, 0 विद द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब चूंकि एक्स एक्सिस पे ढूंढना है तो मीन्स कि ये पॉइंट सिर्फ इसी पे होना चाहिए कहीं, जहां से इसका दूरी और जहां से इसका दूरी दोनों बराबर हो। तो लेट a, 0 be the point on x-axis that is equidistant from 7,6 and 3,4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दोनों के बीच का दूरी बराबर होना चाहिए, मीन्स कि अंडर रूट। सबसे पहले अगर इसको हम लोग x1 y1 लेते हैं तो अपने पॉइंट a, 0 को x2 y2 ले लेते हैं, तो 7 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट इज इक्वल। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा 49 प्लस ए स्क्वायर माइनस 7 to the 14 ए प्लस 6 to the 36 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 to the 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 to the 6 ए प्लस 16, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ही ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 85 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 25, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे व्हाट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 14a प्लस 85 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 25 एंड ये वैल्यू हमारे पास आया कैसे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू इससे कैंसिल हो गया, मीन्स बचा क्या ये माइनस 14 है, इधर जाके प्लस 14 हो जाएगा और ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, मीन्स कि हमारे पास क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट ए द वैल्यू ऑफ ए, ये माइनस में है ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये माइनस में है इधर पॉजिटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव है माइनस में हो जाएगा, मींस कि a इज इक्वल्स टू 60/8 दैट इज इक्वल्स टू 15/2 मींस कि 10 द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 10 रिक्वायर्ड पॉइंट on x-axis is 15/2, 0 means कि 7.5, 0, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें हम लोगों को क्या निकालना है कि फाइंड दी स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p(0, -4) एंड b(8, 0। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स तो पॉइंट्स हमारा क्या क्या है p(0, -4) एंड b(8, 0) आर। तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे 0 + 8/2 x1 + x2 / 2 एंड -4, 0/2 दैट इज इक्वल टू 4, -2। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया मिड पॉइंट का। अब ये क्या दिया है कि सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी एक और पॉइंट जो है वो 0,0 है हमारे पास, मीन कि स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? इट इज नोन दैट स्लोप ऑफ अ लाइन दैट इज m is given by y2 minus y1 by x2 minus x1 such that x2 minus x1 is not equals to 0, where x1 comma y1 and x2 comma y2 are the points। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि दिस पॉइंट इज ऑल पासेस थ्रू ओरिजिन। सिंस दिस पॉइंट पासेस थ्रू ओरिजिन, सिंस द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, दिस इंप्लाइज दैट अनदर कोऑर्डिनेट is equals to 0,0। Thus slope of the line, इसके बाद हम लोग स्लोप निकाल दें। Thus slope of line is equals to -2, that is y2 -0 and x2 that is 4 -0 that is equals to -1/2। Hence the required slope of the line is -1,2 and this will be your answer। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4,4, 3,5 एंड -1,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करते हैं कि द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर, पहले गिवन लिख लेते हैं, द वर्टिसेस of the given triangle are, सबसे पहला A 4,4, B ले लेते हैं हम लोग 3,5 एंड C -1,-1। अब इन तीनों केस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसको हम लोग ले लेते हैं x1, y1, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं x2, y2 बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं x3, y3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय, सिंस स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1 सच दैट x2 minus x1 कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मीन्स की m1, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू m1। ठीक है, तो इस केस में हम लोग y2 ही रहने देते हैं, मीन्स की 5 minus 4 एंड फॉर x2 minus x1 3 minus 4 दैट इज इक्वल टू -1। इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ BC। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करते हैं कि जो x3 है उसको हम लोग x3 minus x2 करते हैं, -1 - (3), -1 y एक्सिस के लिए, ये x एक्सिस के लिए था, और y में -1 - 5, तो -1 - (5), y2 minus y1 and -1 - 3 that is equals to 3/2। ठीक है, अब स्लोप ऑफ AC that is m3 is -1, -1 जो है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि x2 y2 है और ये x1 y1 है ही। सबसे पहले -1 - (4) and -1 - (4) that is equals to 1। ठीक है, तो तीनों का स्लोप मिल गया। तो सिंस अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि अगर हम लोग m1 इंटू m3 किए तो ये हमारा -1 देगा। तो सिंस इट इज ऑब्जर्व दैट m1 into m3 is equals to -1, this shows that लाइन सेगमेंट जो कि लाइन सेगमेंट है हमारा AB एंड AC, लाइन सेगमेंट AB एंड AC आर perpendicular to each other and it is right angled at 4,4। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा है, मान सपोज कि दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, सॉरी ये हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज आवर लाइन व्हिच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मेजर एंटी क्लॉकवाइज, मींस कि दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ 30 डिग्री बना रहा है तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दस द स्लोप ऑफ द लाइन, द स्लोप ऑफ द लाइन इज tan 120 डिग्री फ्रॉम फिगर। ठीक है, tan थीटा हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो tan 120 डिग्री इसका हो गया एंड tan 120 का वैल्यू अगर हम लोगों को नहीं पता है मींस दैट इज इक्वल्स टू tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 होता है। कि दस द स्लोप ऑफ द लाइन इज, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 द स्लोप ऑफ द लाइन इज -√3 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द वैल्यू फॉर x विच द पॉइंट्स आर दिस x, -1, 2,1 एंड 4,5 आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर बोलने का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, कि मींस ये तीनों लाइन पे ही लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि तीनों का सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, हर दो पॉइंट को लेके पहले इन दोनों को लेकर स्लोप निकालेंगे, फिर इन दोनों को लेकर स्लोप निकालेंगे, क्योंकि अगर ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो इनके स्लोप भी बराबर होंगे, क्योंकि इसका जो एंगल होगा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वही इसका भी एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स निकाल पाएंगे। तो अब इसको बनाएंगे कैसे कि इफ द स्लोप ऑफ पॉइंट, इफ द पॉइंट्स, अब स्लोप का बात कर रहे हैं कि द स्लोप ऑफ द पॉइंट्स, द स्लोप ऑफ द पॉइंट्स ए x, -1, b 2,1 and c 4,5 are equal as it is given that, as it is given that they are collinear। ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ, this implies that the slope of AB is equals to slope of BC। तो slope of AB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट A और B में y2, this implies that 1 minus of -1, this is y1 and for x axis it is 2 minus x, that is equals to 5 minus 1 and 4 minus 2. This implies that this is 1 plus 1, 2 by 2 minus x, and 5 minus 1 is 4 and divided by 2, and ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ. This implies that कि 2 is equals to, ये 2 हमारा भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो उतना नहीं करते, तो हम लोग पहले करते हैं 2 is equals to 2 2 is 4 minus 2x. This implies that 2x is equals to 2 implies x is equals to 1. Thus the required value of x is 1, for which x comma minus 1, 2 comma 1 and 4 comma 5 are कोलिनियर. ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 से और आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू सो मच.